भारत माता की, भारत माता की। आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जितने वक्ता यहां आपसे पहले बोल गए उनकी बात समझ में आई या नहीं आई तो फिर मैं बोल लू ना। अगर आपकी समझ में बात आ ही गई तो इससे अच्छी क्या बात हो सके। अच्छा अच्छा, घर में नाम हो किसी का भी विभीषण? घर में भी नहीं है। अच्छा, लक्ष्मण होगा कोई ना कोई? तो मेरा एक तो निवेदन आपसे है, इस बार विभीषण न बन जाइयो, इस बार लक्ष्मण बनियो, क्योंकि लक्ष्मण बनोगे तो राम जीतेगा और विभीषण बने तो राम हारेगा। ये तुम्हारे हाथ में है, ये चुनाव किसी पार्टी को हराने जिताने का नहीं है, ये संघर्ष को याद का नहीं है। पिछले 2 साल से ये समाज गाड़ी खा रहा, पिछले 2 साल से, और गाड़ी कौन दे रहा? 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, कानून तो खिलाफ बन गया होगा जरूर, कोई कानून इस सदन में हमारे खिलाफ बना होगा, लेकिन 52 से 2019 तक यदि इस बिरादरी को सबसे ज्यादा गाड़ी मिली, आपकी बहनों को, आपकी माताओं को गाड़ी मिली, तो वो काम अगर किसी पार्टी ने करा तो वो इस भारतीय जनता पार्टी ने करा, नहीं तो किसी ने गाड़ी देने का काम नहीं करा। यहां सब जितने लोग बैठे सब फोन भी चला रहे हैं भाई। मैं ईमानदारी से आप लोगों से एक बात पूछना चाहूं, चुनाव का दौर हो और भारतीय जनता पार्टी का एक नालायक सांसद गुजरात में अगर ये कहता हो कि राजपूतों के रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे और गुजरात का राजपूत समाज खड़ा होकर उसका विरोध करे, और मात्र इतनी सी बात, ध्यान से समझ लेना, मात्र इतनी सी बात के है कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दो तब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी पुरुषोत्तम रूपाला को अपनी गोद में बैठा के उसका संरक्षण करने का काम करा और उसे क्या कहा कि इससे भी ज्यादा यदि तेरे पास कोई गाड़ी है तो तू राजपूत समाज को दे, तुझे इस बार कैबिनेट का मंत्री बनाएंगे। और फिर भी आप भाजपा के बारे में विचार करो, जिनकी माताओं ने, जिनकी बहनों ने 16-16 हजार रानियों ने एक साथ जोहर करा हो, इस देश की लाज बचाने के लिए जिनके महापुरुषों ने अपने सिर कटवाए हो, उनके लिए रियासत रोटी और बेटी के दाम से ली जाएगी, और फिर भी आप लोग विचार ना करते हो। ये चुनाव किसी के हराने जिताने का नहीं है साहब, ये चुनाव आपके स्वाभिमान का है, ये आपके महापुरुषों के स्वाभिमान का चुनाव है। हमारी माताओं ने जो बलिदान दिया ये उनके स्वाभिमान का चुनाव है, ये आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। कोई नालायक सांसद आपकी जाति को गाली ना दे, ये उसे जवाब देने का चुनाव है। इसलिए मेरा निवेदन है, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेंगे, कुछ हम बदलो, कुछ तुम बदलो, फिर मिलके जमाना बदल। इस बार विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा आप लोगों को, और विचार ये करना पड़ेगा कि जब मोदी जी ने इस बार सदन में कहा 400 बार, तो मैं अपने विचार, मैं अपने मन में एक विचार लाया कि मुझे कुछ ऐसा वहम हुआ, मुझे पक्का नहीं पता, तुम लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति
बिना जनता की राय के, बिना चुनाव की तिथि घोषित होने के 400 पार का नारा दे रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। अच्छा कमाल देखो, इसे नुक है लोकतंत्र है। अच्छा सन 2014 में किसे वोट दी थी भाई? 14 में किसे दी थी? भाजपा को। 19 में किसे दी थी? भाजपा को। 17 में किसे दी थी? तब मेरी समझ में नहीं आती, अगर एक ही पार्टी को, एक ही व्यक्ति को सारी उम्र वोट देनी, तो फिर रजवाड़े लिए क्यों थे? वे तो थे ही राजा भाई। वो जो रजवाड़े आपने इसे राष्ट्र बनाने के लिए लिए भारत को, फिर उन्हें लेने की जरूरत ही क्या थी? एक बात समझ लो, पानी को और रोटी को बदल के खा करो, और जो एक ही पानी पियो जाओगे तो बीमार हो जाओगे, और एक ही प्रकार की रोटी खा जाओगे तो बीमार हो जाओगे। इस बार ये जो आपका सांसद है भाई, इसे बदल लो, नहीं थारे पेट में दर्द बीमार हो जाओगे तुम। और ये मेरे कहने से नहीं बदले, ये कोई लड़ाई मामूली नहीं है। जो पहले चरण के चुनाव में 19 तारीख को वोट पड़ी, 19 तारीख में जो वोट पड़ी, वहां भारतीय जनता पार्टी की कोई वोट नहीं है भाइयों के, वहां पूर्ण रूप से सफाया है। और दो चरण हुए, चरण दो ही तो हो, इन्होंने तो बनाए रखे साथ भाई। भगवान के भी दो चरण, माता के भी दो चरण, हमें तो नहीं पता दुनिया में दो ही चरण हो बस, वहां तो दो ही होते होंगे। दो ही चरण हो, एक चरण तो हो लिया, दूसरे में थारा नंबर है, दूसरे चरण में तम काम को कर दो, फिर 400 नहीं, फिर 200 भी नहीं है मेरे भाई कहीं। और भाई घर बैठ कर तम नु सोचो जाओ कि यो देश गुलाम हो जाएगा, यो देश मिट जाएगा, यो देश बर्बाद हो जाएगा। तो मैं एक बात दावे से कह सकूं कि यदि अमित शाह इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो ये देश 100% गुलाम होगा। इस बात को ध्यान कर लेना। बचाओ भाई, अगर देश को बचाना चाहते हो तो पहले अपने आप को बचाओ। अगर आप लोग बचे तो देश बचेगा, अगर आप लोग नहीं बचे तो ये देश भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारा निवेदन है, इस बार मत देखना टिकट किन्ने दिया, निशान कौन सा है, इस बार देखने की जरूरत नहीं है। इस बार आपको ये संकल्प लेना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी हरा लगा, उसे आप वोट करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? और जिसे तुम वोट करोगे वही भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, इसमें भी कोई सोचने की बात? हाँ भाई, तारे मन में कुछ संशय है क्या? बोल लो, कम सच्ची है ना बात? मैं एक बात बता दूं छोटी सी, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार स्कूल में एक मास्टर बालकों को पढ़ा रहा था, समझियो जानते हंसियो खूब, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रामदेव 3500 रुपए ले रहे हैं मेरे भाई हंसाने के, यहाँ फ्री में ले रहे तुम। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। एक बार एक मास्टर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, और बच्चों ने क्या करा, मास्टर ने कहा भाई कल को जैसे शैतान सा बालक है भूपेंद्र, इसे कहा 10 रुपए दे देती हो, कल को स्कूल में आइए। अब भूपेंद्र स्कूल में छुट्टी तो मान ली, लेकिन उसके मन में संशय ये हो गया, यार मास्टर ने 10 रुपए भी दिए, स्कूल में आने को भी मना करी, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो चोरी से जाके क्लास में बैठ गया,
अब स्कूल में डिप्टी आ गया। जब डिप्टी स्कूल में आया तो डिप्टी ने कहा भाई बच्चों मैं आपसे सवाल करूं। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी चीज का नाम बताओ जो स्थान बदल तो ही नाम बदल जा। अब बालकों को पता नहीं था जो मास्टर ने तो पढ़ा नहीं रखा था। अब वही भूपेंद्र ने उठाया। मास्टर ने सोचियो थारा फला हो जा भाई, ये तो स्कूल में आ गया। उन्होंने कहा बैठ जा तू। मास्टर कहे उसे तू बैठ जा, डिप्टी कहे तू खड़ा हो। अब बच्चा खड़ा हो गया। डिप्टी ने कहा बताओ बेटा। बोला जी ऐसी चीज बाढ़ है, ये सिर पर है तो सिर के बाल, यहां से भोरी पर आ जा तो भोरी के बाल, यहां दाढ़ी पर आ जा तो दाढ़ी के बाल, मूंछ पर आ जा तो मूंछ के बाल, छाती पर आ जा छाती के बाल, पेट पर आवे पेट के बाल। और जैसे नीचे को हाथ करा था मास्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसका हाथ पकड़ लिया तो डिप्टी बड़ा खुश हुआ। तो डिप्टी ने एक पर्चा बनाया, एक लेटर बनाया, उस मास्टर को दे दिया। मास्टर घबरा गया, बोला तू तो सस्पेंड हो गया भाई। अब वो मास्टर जो था उन्हें घर गया, वो लेटर जब खोला तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इस बच्चे की अच्छी बात सुनकर सही जवाब सुनकर आपको इस स्कूल का हेड मास्टर बना दिया। तो वो खुश हुआ, खुश होकर वो गया उस बालक के घर। और उस बालक के जब वो घर गया तो बच्चा डर गया। उन्हें सोची भाई आ तो तुझे पिटवा होगा। उन्होंने उसके माँ बाप को कहा भाई मैं तो इस बालक को बहुत खराब समझू था, पर आज तुम्हारे बालक की वजह से मुझे मेरे डिप्टी ने स्कूल में से मास्टर से हेड मास्टर बना दिया। बालक खुश हुआ, बाहर निकल कर आया, बोला मास्टर जी जो तू मेरा हाथ ना पकड़ता मैं तुझे आज डिप्टी बना देता। तो मेरे भाई तुम भी मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं डिप्टी बना दूंगा। पकड़ोगे या नहीं, इस बार मौका है, दोबारा नहीं मिले, कसम खाओ। एक अरे गौर सुन लियो मेरी, मैं किसी मन से किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे नाम लेना पड़ेगा। सोलंकी जी चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर आप सब लोग चुनाव लड़ रहे तो जीत होगी, और यदि आप सब लोग चुनाव ना लड़े तो आप लोग हार जाओगे। आप सब लोगों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। कसम खाओ हाथ उठा के कि सब चुनाव लड़ेंगे। सबकी गरिमा है, सबका स्वाभिमान है। स्वाभिमान है कि नहीं है? हाथ उठाओ सब लोग, दोनों मुट्ठी बंद करो और वो आज वो नारा दोहराओ जो 7 तारीख की पंचायत में क्षत्रिय समाज ने संकल्प लिया था। माँ की कसम खाई थी, धरती माँ की कसम खाई थी और भगवान श्री राम की कसम खाई थी। तो उठाओ दोनों हाथ और ये संकल्प लो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक भी वोट नहीं देंगे। हाथ उठाओ और हमारे साथ कहो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण लाए पर वचन न जाए। एक बार सब अपने आप बोल लेंगे पूरी धवनी के साथ। अपना बोल लो सब एक बार, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण लाए पर वचन न जाए। जय हिंद, जय भारत।